ये एलियन एलियन कहाँ जा रहा है? रुको एलियन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और भाई आज मैं काफी ज्यादा बेहतर फील कर रही हूँ और मौसम का बस नाक थोड़ा बंद हुआ हुआ है। मौसम बहुत बात। हाँ मैं दिखाती हूँ मौसम का नाक आपको दिखाती हूँ, ठीक है? सोडा स्टार्ट करना पड़ता है। ये देखे सही, इसको मैंने कहा भी था कि स्टीम लो, ये मेरी बात नहीं मानता। दो स्टीम वो चूल्हे में से। चूल्हे में से कौन स्टीम लेता मौसम? तो चूल्हे से आज ही स्टीम निकलती है और मैंने। अरे वाह वाह वाह, बहाने मौसम के चेक कर लो। मौसम बहुत हसीन लग रहा है वाला सही। और ओके और इस इंसान की मैं एक और मजे की बात बताती हूँ आज कि क्या किया है इसने भाई। आज जी हम लोगों ने 28 पे टेम्परेचर रखा हुआ है और इसने मुझे बताया ही नहीं था। देखो मैं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत नलायक हूँ। हाँ मैं बिजली बचा रही हूँ, ठीक है ना। और अब्बू ने आज मुझे बताया कि भाई 24 पे टेम्परेचर रखोगी तो ठंडा लगेगा। तो मुझे 24 पे वाकई में थोड़ी सी ना ठंडी हवा आती थी, गर्म क्यों नहीं मेरा रूम इतना ज्यादा होता। और इसको कल 24 पर हम लोगों ने रखा, इसे नहीं मुझे बताया कि भाई आप जो है टेम्परेचर थोड़ा कम कर ले। खैर एनीवे भाई सर्दी बहुत ज्यादा है लाहौर में, तो आज सुबह में 5 टेम्परेचर था। सुबह में इतनी ठंड होती है कि मोबाइल में ना पसीना आ गया होता है, मतलब फॉग सी आ जाती है। तेरे साथ था मोबाइल में? नहीं मेरा बस मोबाइल ठंडा पड़ा होता है, मतलब लेकिन ना थोड़ा सा ऐसे मैं ऐसे बिस्तरे में नहीं लटाता। तो मैं कौन सा बिस्तरे में, साइड टेबल में रखा होता उसको। खैर गाइस आज इसे मेरा सर बहुत खाना है, मुझे पता चल गया। सो मैं दोबारा मैं अपनी रूटीन स्टार्ट करती हूँ ताकि मैं ब्लॉग आसानी से बना सकूँ। चलिए गाइस आपको बाहर लेकर चलते हैं, बाहर तो अंधेरा हुआ हुआ है। मासी आई हुई है, मासी की हाल चाल है भाई? बेचारी मासी तबीयत बड़ी खराब सी। ओके और बाजी सायमा, इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है इस कमरे में? चलते हैं। ओए होए 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 होए, इस कमरे में भाई पॉलर और एसी दोनों खुले हुए। हेलो, इतने गंद में बैठे हुए हो। चलिए मेरी बहन करवा रही है स्ट्रीक्स। हरीम की पर्दे हो रही है। हरीम की पर्दे करनी है हमने? नहीं हमने नहीं करनी हरीम की पर्दे। मैं ट्राई करना चाहती हूँ। बिल्कुल हमने नहीं करनी, करनी है। नहीं करनी, नहीं करनी है। क्या करनी पड़े? अच्छा मेरे से लड़ क्यों रही हो? और भाई आज मेरी बहन करवा रही है स्ट्रीक्स और आज इन्होंने ऑफ किया हुआ। इनके बच्चे बड़े खुश हैं और इनको दे दे के मुझे भी शौक आ रहा है कि मैंने भी स्ट्रीक्स करवानी है। लेकिन आज मैं करवाऊंगी इनसे हेयर कट, है ना सांबा जी? Yes. भाई कितना टाइम लगेगा इसको? अभी टाइम लगेगा तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। मतलब आज सारा दिन इसी में गुजर जाना है। ये सोचो आज तुम हमें चाय शाय पे बुलाया हुआ है, हम क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा, कान खराब हो गए। चाय पीने आ रहे हैं और पैटिस खाने आ रहे हैं। की क्या चाय में पिला दूंगी, पैटी से ऑर्डर कर लेना। मैं ऑर्डर कर दूंगी यार, मैं खिला दूंगी ऐसी क्या बात है? मैं क्या ऑर्डर कर दूंगी, पैसे देना? नहीं नहीं मैं बिल्कुल खिला दूंगी, और क्या, मेहमान तो रहमत होते हैं जो कि जहमत बन जाते हैं। आज सारा दिन ऐसे ही चलने वाला है। हमारे घर में बच्चों ने कहा था कि मम्मा आज ऑफ कर लो, है ना? मामा ने ऑफ कर लिया। कितना बताना, सबको पता चल गया है कि इस मंथ में हरीम की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, फ्री 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 फ्री। सबको बोलो गिफ्ट भेजे। सबको बोलो आप बोलो कि मेरी बर्थडे में गिफ्ट भेज दो सब। मैं आपको काट दिया। क्या पूछे हरीम ने, क्या गिफ्ट क्या लेना बता दो। पेंसिल लेनी है, चलो ठीक है, गुड, सस्ते में जान छूटे। आपकी हैप्पी बर्थडे नहीं है, आपको क्यों हम दे? ओके आपको बुक भी लेकर। दारू कह रही कि हरी मेरी बर्थडे का केक कट कर दिए तो मैं भी करूंगी। अदले के बदले हो रहे हैं, जब से मेरा गला खराब हुआ है मेरी आवाज मेरी, इवन कि मैं फोन पर बात करती हूँ तो अनम भी मुझे ये कहती है कि लगता ही नहीं मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सो पता नहीं ये पूरी विंटर्स मेरे, खैर स्पेशली दिसंबर में मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई थी। सो दिसंबर से लेकर अभी जनवरी आ गया तो मुझे लग रहा है कि
अब थोड़ी थोड़ी बेहतर हो गई है और मुझे लग रहा है मेरी ओरिजिनल आवाज है वो वापस आना शुरू हो गई है, वरना तो वो बेस आ गई है मेरी आवाज है बम बम भारी भारी सी आवाज मुझे लगती है। बट ये है कि सर्दी ने ना जीना हराम कर दिया है, और पता नहीं सर्दियों में ना एक जरूर होती है बात आती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये आपको ना अच्छा खासा तंग करके जाती है। और मेरे साथ तो सर्दियों में वैसे यही होता है कि घर में ना मैंने एक ही स्वेटर पहनना होता है हर सर्दियों में, अभी ये उतारूंगी तो दूसरे वाला पहनूंगी तो फिर वापस मैं इसको फिर से पहन लूंगी। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई एक फेवरेट स्वेटर या जैकेट या कोट कुछ भी इस तरह का रहता है कि पूरे विंटर्स में, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा जरूर रहता है। ये एलियन एलियन कहाँ जा रहा है? रुको एलियन। सांबा जी आप हमें धोखा देके जा रही है, आपने कहा था आज आप नहीं जाएंगी। यार तुम ऐसा जाओगे बाहर लोग डर जाएंगे, लोग कहेंगे कुड़ी ने की हो गया है कितों आई है। हाँ वैसे मैं आप कहना मैं एक साइंटिस्ट हूँ ठीक है। नहीं नहीं ऐसे चले जाओ और कहना मैं साइंटिस्ट हूँ। अच्छी लग रही है वैसे ऐसे भी आप। ओके बाय बाय जल्दी आना। अब मैं घुमाऊं कहाँ जाऊं, मौसम पता नहीं कहाँ पे है काम नहीं। मौसम हमेशा की तरह भाई वॉशरूम में है। और इस कमरे में क्या हो रहा है? ओ मासी, चलो मासी जी थोड़ी वीडियो बनाने हैं। मासी ठंड का हाल सुनाओ। मासी ठंड वावा है फिर? बड़ी मासी ठंड लग गई है ना? ठंड लग गई है, नजला बुखार हो गया। तो गाइस अब मैं मौसम के रूम में आई क्योंकि हमारे घर में ना सारे बारी बारी मौसम के घर में। अच्छा मैं मौसम के घर में आई हूँ क्योंकि हमारे घर में क्या होता है कि सारे ना बारी बारी अपने रूम का हीटर लगाते हैं, तो जो जहाँ पर हीटर लगाता है सारे वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। और खुद देखो 28 टेम्परेचर का। वैसे मुझे ऐसा लग रहा था तुमने लास्ट टाइम में जब आई थी तब तुमने 28 ही रखा था टेम्परेचर। तब मैं 24 रखा था। 24 तो फिर तुझे पता ही नहीं था मौसम। नहीं मैंने उस दिन भाई सामग्री देखा था ना कमरे का, तो मैं वापस दिखाना चाह रही हूं। दिखाना चाह रही हूँ बेचारा मौसम को कितनी दिक्कत आ रही है। और मौसम भाई आज हमारे घर में बना था साग, सुबह भी नाश्ते में हमने साग खाया। और खेत से लेकर खेत तक केक ही कलर में रहता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। हाय हाय मदर बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। सो मैंने सुबह पराठा खाया था तो मेरा पेट जो है वो काफी ज्यादा फुल है और मेरा दिल कर रहा था माल्टे खाने का, सो इस वजह से मैं माल्टे खाऊंगी। धूप तो है नहीं, धूप निकली भी है बाहर, लेकिन वो ऐसी वाली है ना कि उसमें बैठ कर हम माल्टे नहीं खा सकते। तो अभी दिन दिन का टाइम है तो भी मैंने सोचा मैं जल्दी से खा लेती हूँ। मुझे माल्टे बहुत पसंद है, इस मतलब मेरा मौसम खराबी की वजह से माल्टे ज्यादा खा नहीं पाई। हालांकि हाँ वैसे ना इस मतलब हमने एक मतलब भी नहीं बनाई ना, बाजी को भी याद करवाते हैं, बाजी माल्टो वाली दाल बनाते हैं और फिर वो भी आपको दिखाएंगे। आई थिंक हम लोगों ने पहले भी ब्लॉग में दिखाई भी है ज्यादा। अच्छा हमें नहीं पता भाई, हमें तो हमारी मेरी अम्मी की एक फ्रेंड थी उन्होंने हमें बनाना सिखाई थी, मेरी नानी को बड़ा पसंद थी वो खाना, उनको बड़ी अच्छी लगती थी। खैर अच्छा वो मौसम तूने याद करवा दिया है, बाजी से करते हैं बाद, अब कल तो नहीं एक दो दिन तक फिर बनाएंगे इसी वीक में। सो गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्रेशर कुकर की सीटी ने इतना शोर मचाया हुआ था। एनीवे चाय बनाते बनाते मैंने सोचा कि आप लोगों से भी पूछ लूँ कि आपको चाय का कौन सा लेवल पसंद है, कि मतलब कि चाय के कलर का लेवल कौन सा पसंद है। सो मैं जैसे ही डिब्बा डाल रही हूँ चाय का रंग भी बदलता जा रहा है, तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना। सो गाइस बस हमें इतनी इतनी चाय मिली है, मौसम खुश नहीं है। ओ मेरी बहन की फाइनल लुक देख लें, अच्छी लग रही है। मेरे बाल ना बस करना, ऐसे तो बाल है कर दूंगी, ऐसे ऐसे करना मेरे को कम नहीं है। हां जी हाँ जी हाँ जी लड़े लड़े तो बाबा भाई ये कहता है मेरे व्हाइट बाल करो, हम व्हाइट नहीं ग्रे। अच्छा भाई कह रहा है सर मेरे चिट्टे बाल करो, चिट्टे बाल करो ग्रे। चलो चाय एंजॉय करो सांबा जी, चलो वो करो। वो कौन सा गाना शकीरा का? जी बोलो बोले भाई, कल रात से ना मैंने पान की डंडियां ला के ना मेरे दोस्त से बताया था, उसका ना ये पूरा कप लेके ना उसे उबालना है और पानी जब रह जाए ना इतना सा तो वो जो है ना पी लेना आपने, तो उससे जो है ना आपको जुकाम में काफी फर्क पड़ता है। तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई लेकिन शुगर मेरा ना काफी बेहतर है यार। जब से ना सारे सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट और जैसे ना तुमने बोला लुकिंग लाइक अ वाओ, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, ऐसे लगता है सबकी टोन ऐसी होती जा रही है ना। 2000 years later. भाई मौसम आज हमारा सांता क्लोज नहीं है, ये खिलाया है हमें आज कहाफ ने। यस कहाफ ने पार्टी कराई है भाई, पहले भाई खोल दिया मौसम यार ठंडा बर्फ ना हो जाए, ये स्टफर है सारे ने पहना है।
वैसे तो मुझे वो भी अच्छा लगता है, मुझे ये वाला नहीं खाना इतना ज्यादा मतलब पसंद है, बट मुझे कबाब इतना ज्यादा खाना पसंद नहीं। आपने आज पार्टी दे दी थी, उसके बाद अबू दी बारी पार्टी दे। A few moments later. ये देखे जी, मौसम ने अभी पिज्जा खाया और अभी खा रहा है ये। अल्लाह मौसम यार, कहीं भागे जा रहे हैं क्या मौसम? अच्छा बता, खा क्या रहा है? यस, अपनी जुबान में बोली था। इधर देखो भी थोड़े मौसम, कभी तू अंडे वाला बन जाता है, कभी तू फुल्ले वाला बन जाना है, मतलब इतना टैलेंट तेरे में कहाँ से है? पता नहीं। भाई हमारी इस ट्यूबलाइट ने हमें बहुत तंग किया, बड़े चमक्के मार रही है, यानी के बहुत ज्यादा क्या कर रही है मोदम, ब्लिंक हो रही है। सो अब ये नहीं मंगवाने लगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और भाई ट्यूबलाइट कमरे की डेड हो चुकी हुई है, यानी कि मैंने बहुत अच्छे टाइम पर ट्यूबलाइट जो है वो मंगवा ली है। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि गेस करें, कमेंट सेक्शन में लिखें ट्यूबलाइट कितने की हम लोगों ने खरीदी, क्योंकि जो मैंने और मौजम ने सोचा था हमें उससे काफी ज्यादा महंगी मिली है, लाइक बहुत ही ओवर प्राइस है। और आपके वहां पर कितने की मिलती है कमेंट सेक्शन में बताना, शहर के नाम के साथ, ठीक है? इन्फ्लेशन को लेकर तो पाकिस्तान मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा जो है ना बुरे हालात हो रहे हैं। इसी तरीके से कोशिश करूंगी मैं ब्लॉग्स बनाती रहूं, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत ज्यादा ठंड बहुत ज्यादा है। ओके, गुड बाय।